नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाल मिस्त्री के चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप मीडिया से नाम कमाना चाहते हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि हर आदमी एक मुकाम को पाना चाहता है, कोई किसी तरह का मुकाम पाता है तो कोई किसी तरह का मुकाम पाता है, लेकिन मीडिया में आजकल अधिकतर लोग नाम कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीने के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से बुध के छेद से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम संचार की रेखा बोलते हैं। सबसे पहले जब भी हम अपने लाइफ में स्टेटस की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, अपनी सन की फिंगर को देखते हैं, यह सन की फिंगर बड़ी हो स्टेटस देती है, सरकार के क्षेत्र से जोड़ के रख देती है, आपको मान सम्मान मिलता है। इसी प्रकार से अगर आपके हाथ में यहां पर एक फिश साइन बनती है, यह फिश साइन बनती है, इसको हम यश की रेखा कहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में यश की प्राप्ति करते हैं और नाम की प्राप्ति करते हैं। और जब हम बड़े प्रचार की बात करते हैं, बड़े मान सम्मान की बात करते हैं, एक यहां पर ज्ञान की रेखा भी होनी चाहिए, ये ज्ञान की रेखा। ऐसे लोग दूसरों को सलाह देने का काम करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अधिक होती है। और इसी प्रकार से जब भी ये हमारी फेट लाइन है, करियर का कोई भी काम है, हम किसी भी व्यवसाय को करते हैं तो करियर की या जिसको हम फेट लाइन देखते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने नाम की प्राप्ति के आगे यश की प्राप्ति जोड़ते हैं तो यहां पर एक जो आपको मीडिया के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है और आपका नाम दिलाती है तो वो है यहां पर एक फिश साइन, ये फिश साइन। ऐसे लोग मीडिया से जुड़कर नाम को कमाते हैं, प्रसिद्धि को पाते हैं। और इसी तरह से जब भी हम लाइफ की स्टेटस की बात करते हैं, एक शुक्र बलय होना चाहिए, ये किसी भी कला के क्षेत्र को बताती है। ऐसे लोगों के अंदर कला के प्रेमी होते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।